नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसी सिरप के बारे में बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल बच्चों के केस में ज़्यादा किया जाता है। फ्रेंड्स, बात करेंगे मेफेनेमिक एसिड एंड पैरासीटामॉल सस्पेंशन या फिर सिरप के बारे में। दोस्तों, हम बताएंगे कि ये मार्केट में आपको किस नेम से और कितने रुपए की मिलेगी, क्या क्या इसके यूजेज हैं बच्चों में, कब कब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन होने पर, और फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि इस सिरप का इस्तेमाल कितने दिनों तक कैसे करना है आपको। बात करें दोस्तों कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए इस सिरप का इस्तेमाल करते समय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं ये जो मेफेनेमिक एसिड एंड पैरासीटामॉल सस्पेंशन है, ये मार्केट में आपको किस नेम से और कितने रुपए का मिलेगा। तो दोस्तों, ये मिफूसेट सस्पेंशन के नाम से आता है, जो कि 33 रुपए का आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और दोस्तों, इसकी जो पैकिंग होती है वो 60 ml एक बोतल में होता है। फ्रेंड्स, इसको इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले बनाते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इसमें मेफेनेमिक एसिड पड़ा हुआ है ये है 50 mg पर 5 ml में डाला गया है। वहीं पे दोस्तों बात करें कि जो ये मेफेनेमिक एसिड है इसका काम क्या होता है, तो दोस्तों ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की मेडिसिन होती है, जो कि दर्द और सूजन मतलब इन्फ्लामेशन को कम करती है, साथ ही साथ फीवर की दिक्कत है तो उसमें भी ये आराम देती है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें पैरासीटामोल के बारे में, तो इसमें दो प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक का मतलब ये होता है दोस्तों, वो दवाइयाँ जो दर्द से राहत देती हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब वो होता है कि वो दवाइयाँ जो बुखार से राहत देती हैं। तो ये दर्द और बुखार दोनों में काम करेगी। और दोस्तों, बात कर लेते हैं अब हम इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो सिरप है, इस सिरप का उपयोग मुख्य रूप से दर्द बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। बात करें किस प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है, मान लीजिए आपके बच्चे के सर में दर्द हो रहा है, तब आप ये सस्पेंशन इस्तेमाल कर सकती हैं। माइग्रेन की दिक्कत है, मान लीजिए 12 से 18 साल के बीच में कोई है जिसको माइग्रेन की दिक्कत रहती हो। दोस्तों, अगर नर्व पेन हो रहा है, मतलब नर्व्स में किसी प्रकार का दर्द है, या फिर दांतों से रिलेटेड किसी प्रकार का दर्द है, या फिर दोस्तों गले में आपके खराश है, बच्चे के आपके खराश है गले में, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल पीरियड्स पेन में किया जाता है, जब महिलाओं के पीरियड्स आते हैं तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल अर्थराइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए मसल्स एक में भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इसके उपयोग। हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अदर कंडीशन में भी रिकमेंड करे। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने बच्चे को खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद कर सकती हैं। और दोस्तों, ये जो सिरप है ये आपको मीजरिंग कप से मीज़र करके ही अपने बच्चों को पिलाना है, जितना डोज आपका डॉक्टर बताता है। क्योंकि दोस्तों, जो डोज होता है वो बीमारी और बॉडी वेट और एज देख के डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर जितना आपको डोज बताता है, आप उस मात्रा में अपने बच्चे को सुबह शाम पिला सकती हैं। और याद रहे, जब ये बोतल पिलाने चलें अपने बच्चों को, तो एक बार बोतल को हिला जरूर लें। दोस्तों, वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में नौजिया मतलब उल्टी मतली की शिकायत आपका बच्चा कर सकता है, या फिर पेट में दर्द महसूस हो सकता है, हार्ट बर्न की समस्या और डायरिया, या फिर दोस्तों हल्का सा चक्कर आने की दिक्कत हो सकती है, या फिर इसके अलावा आपको कोई इसका अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे तो तुरंत इसको लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि ये दवाई लेते समय सावधानी क्या क्या रखें। तो मान लीजिए कि आपको इस दवाई से किसी प्रकार की एलर्जी है, या फिर पहले कभी एलर्जी रह चुकी है, तब इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और किडनी की अगर कोई आपको बीमारी है आपके बच्चे को, तब इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। लीवर की अगर बीमारी है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इस सिरप का या फिर सस्पेंशन का इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों ये था वीडियो हमारा मेफेनिमिक एसिड एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।